कश्मीर के जंगल में टनटनी चिड़िया अपने माता पिता और छोटी बहन सुनहरी के साथ रहती थी। कश्मीर के खूबसूरत जंगल में वो सब हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। टनटनी चिड़िया को अपनी छोटी बहन सुनहरी से बहुत प्यार था। वो सिर्फ 6 वर्ष की थी। टनटनी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया के माता पिता किसान थे और वो अपने खेत में सब्जियों की खेती किया करते थे। जब वो दोनों खेत पर होते थे तो टनटनी चिड़िया घर पर अपनी छोटी बहन सुनहरी का ख्याल रखती थी। एक दिन जब टनटनी चिड़िया के माता पिता खेत से काम करके घर लौटे तो उन्होंने दोनों बच्चों को घर के बाहर खड़े देखा। टनटनी बेटा, तू सुनहरी को लेकर घर के बाहर क्यों खड़ी हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि घर के बाहर ना आया करो, क्योंकि जंगल में हर वक्त शिकारी इधर उधर फिरते रहते हैं और वो छोटे पक्षियों को पकड़ कर ले जाते हैं। मम्मा मम्मा, जब से आप खेत पर गए हो सुनहरी रोज आ रही थी और कहती है इसे बिस्किट खाने हैं। मैंने रसोई में जाकर देखा, वहाँ पर बिस्किट नहीं थे और ना ही मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं इसे बिस्किट ला कर देती। अच्छा, ऐसा करो, ये 10 रुपए लो और जाकर सुनहरी के लिए शामू काका की दुकान से बिस्किट ले आओ। तब तक मैं तुम सब के लिए रोटी बना देती हूँ। मम्मा मम्मा, मैं सुनहरी को भी साथ ले जाऊँ? हाँ बेटा, ले जाओ, लेकिन ध्यान से लेकर जाना और आना। फिर टुनटुनी चिड़िया सुनहरी को साथ लेकर शामू काका की दुकान पर बिस्किट लेने चली जाती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि उसके माता पिता को किसी ने मार दिया है। मम्मा, उठो ना, पापा, हाँ उठो ना, ये क्या हो गया है? आप दोनों तो थोड़ी देर पहले तक ठीक ठाक थे, फिर किसने ये अत्याचार किया है? किसने आप दोनों को लहूलुहान कर दिया है? माँ उठो ना, पापा कुछ बोलते क्यों नहीं हो? इस तरह टनटनी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया दोनों रोने लगती हैं। उन दोनों के रोने की आवाज सुनकर हरी तोती वहाँ आ जाती है। काकी काकी, ये देखो हमारे साथ क्या हो गया है, किसी ने मेरे मम्मी पापा को बेरहमी से मार दिया है। काकी, थोड़ी देर पहले आपने किसी को हमारे घोंसले में आते देखा है? नहीं बिटिया, आज तो मैं सुबह से अपनी बहन के घर गई हुई थी और जब वापस आई हूँ तो तुम्हारी आवाज़ सुनकर इधर आ गई हूँ। बस सबर करो टुनटुनी बिटिया, अब हम सब पक्षी तुम्हारे साथ हैं। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मेरे पास चली आना। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टनटनी चिड़िया के घर का राशन ख़त्म हो जाता है। अभी वो सोच ही रही होती है कि क्या करे, इतने में हरी काकी उसके पास आती है और कहती है, टनटनी बेटा, तुम्हारे माता पिता को गुजरे कई दिन हो गए हैं। बेटा, तुम्हारी फसल तो तकरीबन तैयार हो गई है, जाओ और इसकी देखभाल करो और अपने माता पिता की तरह अपने खेत में सब्जियों की खेती करो। इस तरह तुम्हारे घर का खर्चा भी चलता रहेगा और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हरी काकी की बात मानकर टनटनी चिड़िया सुनहरी को लेकर अपने खेत पर चली जाती है और फिर वो अपने सब्जियों की देखभाल करना शुरू कर देती है और वो और सुनहरी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती हैं।
सुंदरपुर नगर में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी और बेटी सुनहरी के साथ रहती थी। वो बाजार में सब्जियाँ बेचा करती थी। उसके घर के पीछे एक छोटा सा आंगन था जहाँ वो सब्जियाँ उगाती थी, और जितनी भी वो सब्जियाँ उगाती थी उनको रेड़ी पर रख कर इधर उधर घूम कर वो बेच देती थी। लो आ गई टुनटुनी, ताज़ा ताज़ा हरी हरी सब्जियाँ लेकर। टुनटुनी की आवाज़ सुनकर सारे पक्षी जल्दी जल्दी सब्जियाँ लेने चले आते थे। इसी तरह टुनटुनी की ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन जब वो सब्जियाँ बेचकर घर वापस आ रही थी तो एक दुर्ष चील उसकी रेहड़ी छीन कर ले जाती है। वो घर आकर रोने लगती है। उसको रोते देखकर उसकी माँ टूनी पूछती है, क्या हुआ है टुनटुनी, बेटी क्यों रो रही हो? क्या बताऊँ माँ, पहले ही गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था, अभी तो मुझे तुम्हारी दुआयां भी लानी थी और सुनहरी की फीस भी देनी थी, ऊपर से आज एक दुर्ष चील मेरी रेहड़ी उठाकर ले गई है। टुनटुनी रो नहीं बेटी, तुम्हारे रोने से रेहड़ी वापस नहीं आ जाएगी, और हाँ इस महीने तुम मेरी दुआयां मत लेकर आना, ऐसे भी मैं ठीक हूँ। लेकिन माँ मैं अब सब्जियाँ कैसे बेचूँगी, तुम तो जानती हो कि ये रेड़ी ही मेरा सहारा थी, अब मैं क्या करूँगी माँ? धीरज रख मेरी बेटी, ऊपर वाला जब मुसीबत देता है तो उसका हल भी ज़रूर देता है, बस तू हिम्मत ना हारना, कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकल आएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया उदास होकर अपने खेतों पर आकर काम करने लगती है। थोड़ी ही देर में उसकी बेटी सुनहरी वहाँ आ जाती है। मम्मी मम्मी, नानो ने ये खाना भिजवाया है और कह रही है कि जल्दी से खाना खा लो इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। ठीक है सुनहरी, तुम खाना वहाँ रख दो, मैं काम से फारिग होकर खाना खा लूँगी। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने काम में लग जाती है। काम ख़त्म करने के बाद जैसे ही टुनटुनी खाने के पास आती है वहाँ पर एक बूढ़ा पक्षी भी मौजूद होता है जो टुनटुनी चिड़िया को देखते ही कहता है, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, बेटी मुझे कुछ खाने को दे दो। ये लो पापा, ये मेरा खाना तुम खा लो, ऐसे भी मुझे आज भूख नहीं है। मुझे पता है बेटी कि तुम बहुत उदास हो, तुमने भूड़े को खाना दिया है, ये लो टोकरी, ये तुम्हारा इनाम है, आइंदा से तुम अपनी सब्जियाँ इस टोकरी में रख कर बेचना और फिर चमत्कार देखना। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सारी सब्जियाँ उस टोकरी में रख कर बेचने चली जाती है। थोड़ी ही देर में टुनटुनी चिड़िया की सारी सब्जियां अच्छे दामों बिक जाती हैं और वो खुशी खुशी घर आ जाती है। घर आकर वो देखती है कि उसकी टोकरी खाली नहीं होती बल्कि सब्जियों से भरी होती है। इतने में टुनटुनी की माँ टूनी भी वहाँ आ जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटी मैं ना कहती थी कि ऊपर वाला तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा, देखो इसने तुम्हारी मदद के लिए उस बूढ़े पक्षी को भेज दिया था, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ माँ मैं बहुत खुश हूँ और सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपनी दुकान खोल लूँ और बाकी पक्षियों की भी मदद करूँ। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया की माँ बहुत खुश होती है
और फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।